ओके स्टूडेंट्स, वंस अगेन फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस क्लासेस में मैं तुझसे बतलाने वाला हूँ और लेकर आया हूँ फिर से सिलेबस ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 10th। स्टूडेंट्स, 10th में बायोलॉजी के विषय में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानकारियां लेनी है, किस चैप्टर्स को सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, किस पे फोकस रहना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए भी जरूरी होता है ना, क्योंकि पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे ही चैप्टर्स, सर एक बात बताइए, वो तो पढ़ लेंगे तब तो पता चल ही जाएगा ना कि ये पढ़ना था, लेकिन ये कोई तरीका नहीं ना होगा पहले से जब पता हो किसी भी एड्रेस को कि कहां तक जाना है, तब शायद पहुंचना आसान हो जाए। लेकिन यही कि यदि आपको एड्रेस नहीं पता हो और आधा रास्ते में ही भटक जाए फिर पूछने लगे तो शायद मुश्किल से, इसीलिए सिलेबस पहले फर्स्ट इज कंपल्सरी। तब आइए, और जितना भी मैं आज बायोलॉजी का सिलेबस लिखने वाला हूँ वो सारे के सारे चैप्टर्स को, हर एक चैप्टर्स को मैं ही डील करूंगा, मैं ही लेकर के आऊंगा और मैं ही समझाने वाला और आपको हर एक एक चीज मैं बतलाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। समझ रहे हैं, हर एक टॉपिक को डील करूंगा। आइए सबसे पहला चैप्टर को देखते हैं जिसका क्या नाम है। द चैप्टर इज फर्स्ट एंड विच इज नेम्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जीवन का क्या प्रक्रिया है उसके बारे में मैं तुझे सिखलाऊंगा बतलाऊंगा। बस आप बने रहिए, जुड़े रहिए लगातार, कंटिन्यूटी इज अ मस्ट। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या पढ़ना, लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खास है और पढ़ना है, जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। मैं कुछ आइडियाज दे देता हूं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक तीन कैटेगरी में, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फिर आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड नंबर पे आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये सारे को डिटेल में पढ़ना, पहले बचपन में ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक ही जानते थे, लेकिन अब उसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, क्लियर है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्या कंडीशंस है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, जैसे चार कंडीशन नेसेसरी है ना जी, पहला सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, और क्या बच गया, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार कंडीशंस नेसेसरी है किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं जाना बल्कि ये चारों कंडीशन को साबित कीजिए, प्रूव कीजिए। जैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हो, कैसे साबित करते हो कि यही चीज होगा, यही सारी बातें होने वाली, ठीक उसी प्रकार से इसको भी साबित कीजिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि नहीं सच में ये कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफिल, सनलाइट वगैरह एक्सेट्रा है जो नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस होने के लिए। बात कर ले न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन एनीमिया के बारे में देखेंगे या फिर और बहुत सारी चीजें हैं, हार्ट कैसे पंपिंग करता है, ब्लड प्रेशर वगैरह, ऐसा बहुत सारा चीज पढ़ने वाला है लाइफ प्रोसेस में। तो सर इतनी सारी चीजें पढ़नी है, वो चैप्टर तो सच में कुछ खास ही होगा। हाँ जी, एकदम खास से भी बढ़कर के ही समझ लो, और इस साइड भी 3 स्टार ही लगाने वाला। सबसे पहले नहीं पता कि ये स्टार क्या है तो मैं तुझे बता दूं कि जिस चैप्टर पर 3 स्टार लगाया हूँ वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। इस साइड में लगाया हूँ तो इस साइड में जितना भी लगाऊंगा वो अच्छे से पढ़ाई कीजिए इसमें 9 सेकंड। लेकिन जब मैं इस साइड की बात करूं, इस साइड जो स्टार करेंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रैंकिंग करूंगा, ताकि आपका कम भी समय रहे फिर भी आप उसे रिवाइज कर पाए जल्दी से जल्दी, और एग्जाम में अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होकर के जाइए, ताकि आपको कमी महसूस ना हो कि कुछ भी पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी रिवाइज ही नहीं किया है, रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे लिखे, क्लियर है। मेरे पास पिछले कुछ सालों का डाटा कलेक्शन है जिसके माध्यम से आपको एक वीडियो में ही पहुंचा रहे हैं आप तक, लगे क्लियर है। जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है
control and coordination. Control and coordination. सर इसका कहने का क्या अर्थ हुआ? सर इसका कहने का एक ही अर्थ हुआ कि कंट्रोल कैसे करते हैं हम, हमारा हर एक अंग, हर एक बॉडी पार्ट्स आखिर किस प्रकार से वर्क करता, आखिरकार कैसे कंट्रोल करता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा. कोऑर्डिनेशन यानी कि कैसे कमांड किया जाए, कैसे उसको संचालित किया जाए. क्लियर है? तो हमारा ब्रेन एक ट्रांसफॉर्मर के जैसा काम करता. यदि ब्रेन ही नहीं है, ब्रेन ही बढ़िया से नहीं फंक्शन कर रहा, इसका मतलब है कि मामला साफ है. समझ पा रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर ही खराब हो जाए तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगा? क्या कहा? इन्वर्टर से. अरे इन्वर्टर कितना देर तक चलाओगे? ये इसको जनरेटर कितना मारोगे? उसको भी तेल की जरूरत पड़ता ही पड़ता है. तब बिना खैर वो अलग ही चीज है, तुम लोग तो कुछ भी बोल लेता है, इसीलिए तो भरोसा नहीं करते. एनीवेज, तब सबसे पहली बात है वो ये है कि हम लोग आखिरकार ये कंट्रोल, मैंने बताया कि ब्रेन जो है जस्ट लाइक ए ट्रांसफॉर्मर, जो ट्रांसफॉर्मर कैसे कंट्रोल करता पावर हाउस स्टेशन के जैसे, जो हर एक के घर में पहुंचाता है बिजली कितना वोल्ट इधर, उसी प्रकार से हमारा ब्रेन है जो ये कंट्रोल देगा, कमांड देगा कि सर आपको श्वास लेना, मैं श्वास भी ले रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं ये ब्रेन की इजाजत से, नहीं तो वरना कोमा में या फिर आईसीयू में जो पेशेंट भर्ती है उसको तो ब्रेन कुछ भी ऑर्डर ही नहीं देता, कुछ भी इजाजत ही नहीं देता करने के लिए. समझ पा रहे हो? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. व्हाट आई एम टीचिंग हियर. ओके, अब यहां तक लगी हो गया है. अब हमने इस चैप्टर को भी देख लिया लैब प्रोसेसेस में कि कौन सा चैप्टर, टू चैप्टर्स को अभी तक कवर किया है बायोलॉजी का, फोर्थ क्लास टेंथ स्टूडेंट्स को. अब बारी है नाउ इट्स टाइम कि अब चैप्टर थ्री को भी देख ही लें. तो ये चैप्टर थ्री है जिसका नाम है हाउ. क्या नाम है जी? हाउ. क्या हाउ नाम है? सरल नहीं जी. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. अब इसका कहने का अर्थ क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है. क्लियर है? बट जब बतलाया जा रहा हो रिविजन के समय में तो इससे अक्सर क्वेश्चन रहता है और यह एक प्रकार के चैप्टर ही है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है जो और स्पष्ट रूप में आपको दिया गया है, स्पष्ट रूप में आपको बताया गया है और सिखाया भी गया है. खैर एनीवेज, इसमें बहुत कुछ खास है. जैसे कि आपको जानकारी लेना होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आके रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, ये फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन कैसे करेगा. बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह ये सब भी दिए गए हैं. ये जो चैप्टर है वो सिर्फ टेंथ में नहीं बल्कि ट्वेल्थ में भी काफी डिटेल में पढ़ना है. एक एक ऑर्गन को अलग अलग करके, अलग अलग करके नहीं बल्कि उसे और अंदर में एंट्री लेकर के अच्छे से जानकारियां लेना है. किस किसके बारे में? सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में. क्लियर है? क्लियर. बट मैं बात करूं कि इस चैप्टर पर कितने पकड़ करनी है तो बहुत ज्यादा नहीं, जितना ये जब रिविजन के समय हो तो थोड़ा सा कम भी देखिएगा फिर भी आपका काम हो जाएगा. जो नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर फोर जिसका नाम है हेरेडिटी. क्या नाम है जी? हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन. यानी कि हम लोग जानेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को जो पेरेंट्स हैं, गोरा रंग है या फिर सांवला रंग है या फिर ब्लैक कलर ऑफ द स्किन है, ताकि पता लगा सके कि जो उनके पेरेंट्स हैं और जो उसका बच्चा है ऑफस्प्रिंग वो कैसा होगा, या फिर कोई बीमारी है तो वो बीमारी ट्रांसफर होगा या फिर नहीं होगा. ये हेरिडिटी है.
या फिर प्लांट्स की बातें करूं मैं, तो बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो प्लांट्स है वो या टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा या फिर मीडियम साइज का होगा, जितना कि प्लांट्स पहले से ही है। इट्स ऑल राइट जब मैं बात करूं इवोल्यूशन की, तो इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो ह्यूमन बींग्स है वो आज इस प्रकार से दिखता है। खैर इसके बारे में चर्चा एविडेंसेस भी है जो आपको 12th में आगे चल के पढ़ना है, इसीलिए इस चैप्टर पे कमांड करना आपको जरूरी है, क्योंकि जब बेस ही नहीं मजबूत रहेगा तो ऊपर कैसे जाया जाएगा, है ना जी। इसीलिए पहले पिलर मारा जाता है ग्राउंड में और उसके ऊपर में इमारतें खड़ी होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। इसीलिए इसे भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब बारी आ रही हो रिविजन के समय तो मैं इस पे 2 ही स्टार लगाऊंगा। क्लियर है? इतनी सारी बातें हुई, ये अभी तक हमने 4 चैप्टर्स को कवर किया है बायोलॉजी में जो आपका सिलेबस है 10th क्लास के हिसाब से। खैर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा इसमें हेरिडिटी में आपको जब बतलाया जाएगा सिखाया जाएगा, जब मैं इस चैप्टर को शुरू करूंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, तब लिखाऊंगा भी, एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, हर एक चीज डिटेल में समझूंगा। अभी फिलहाल इतना है जान। इट्स ऑल राइट। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, यानी कि चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आवर एनवायरमेंट या फिर आवर एनवायरमेंट। एक बात याद आ गई एनवायरमेंट से, एक बार जब मैं कहीं पढ़ता था, पता नहीं कि कहां पढ़ता था लेकिन मैं कहीं पढ़ता था, उस समय एक मैम मैडम हुआ करती थी और उसने, मतलब तो एनवायरमेंट कहते थे जी, आप लोग भी शायद एनवायरमेंट ही इसे कहते हैं पढ़ते हैं, लेकिन मैडम जो थी वो बोलती थी एनवायरमेंट। तो हमने कहा कि मैम एनवायरमेंट तो कहते हैं मैम, एनवायरमेंट कहिए ना। तो उसने मुझे पलट कर जवाब दिया कि एनवायरमेंट तो कहते हो मैम, एनवायरमेंट कहिए ना। तब एनवायरमेंट ही कभी कभी बोल देते हैं, तो जब भी एनवायरमेंट बोलते हैं तो मैम का याद आ ही जाता है। खैर एनवायरमेंट ही कहिए चाहे एनवायरमेंट कहिए, जो मन है वो कहिए। खैर एनीवेज आवर एनवायरमेंट, तो इसके बारे में पढ़ना है आपको। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे जो हमारा डेली लाइफ में भी चीजें घटती है उसके बारे में भी ही है, कुछ है, मिट्टी से रिलेटेड है, रिसाइकल वगैरह ये सब पढ़ना है और कुछ खास नहीं है। यदि मैं इस चैप्टर की बात करूं तो मैं भी इसे 2 ही स्टार देना पसंद करूं, इसे इधर तो 3 ही स्टार दूंगा ना, क्योंकि आपके पास पूरे साल है तो अच्छे से पढ़िए मन लगा करके। लेकिन जब इसकी बात हो रही है रिविजन पर्पस की तो मैं इधर 1 ही स्टार लगाऊंगा, क्योंकि कुछ खास नहीं, आप ना भी रिविजन करके जाइए एक बार अच्छे से पढ़ रहा फिर भी आपका ऑब्जेक्टिव बन ही जाएगा। इट्स ऑल राइट, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अब यहां तक आपने सफर तय कर लिया है, अब आवश्यक है, जरूरी है कि मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करूं, प्रस्थान करूं, जो हमारा एक लास्ट चैप्टर बच जाता है बायोलॉजी का 10th क्लास का भी, ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है मैनेजमेंट। लेकिन क्या सर? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस कहने का अर्थ हुआ कि आखिरकार किस प्रकार से हमारा जो नेचर है, ये प्रकृति है, उसे बचा करके रखें, उसे कंजर्व करके रखें, उसे नष्ट नहीं करें, उसे हानि भी नहीं पहुंचाएं। वो कहावत है ना कि यदि आप मित्रता भी नहीं कर सकते हैं दिन बंधु तो शत्रुता भी ना करें, ठीक उसी प्रकार से यदि आप हमारे नेचर को सेव नहीं कर सकते हैं तो उसे नष्ट भी नहीं करें। यदि सर एक बात बताइए, नष्ट नहीं करेंगे तो वो बचा हुआ रहेगा? हाँ सर बिल्कुल बचा हुआ रहेगा। इस नेचर में, इस प्रकृति में इतना इतना शक्ति है कि यदि आप इसे ना छेड़खानी करना बंद कर दें
तो वो अपना मेंटेन रखेगा प्रकृति, हर एक चीज वो अपने हिसाब से काम कर रहा, हर एक पौधा का कभी अपने से भी उग जाता है बिना कुछ किए, तो उसे मेंटेन करना आता है अपने आप को, जैसे आपको अपने आप को मेंटेन करना आता है, मुझे आता है या फिर और भी कोई व्यक्ति है जिसे आता है, तो उसी प्रकार से इस प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस को भी पता है कि हमें कैसे मेंटेन करना है। लेकिन मैंने बताया था कि आदमी सबसे बड़ा राक्षस है, इससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। जब मैं ऐसी बातें करूं तो मुझे भी इसमें शामिल कर लिया करूं, क्योंकि मैं भी तो आदमी ही हूं ना। इसीलिए देखते हैं आज के दिनों में क्या किया जा रहा है। जंगलों को काटा जा रहा है, ऑफकोर्स काट दिया जाता है घर बनाने के लिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादा मत काटिए सर, रहने भी दीजिए। इसीलिए बहुत सारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चला है, तो हम लोग वही चीज के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारा नेचर है, प्रकृति है, उसे बचा कर रखें ताकि हमारे आने वाला जीवन को क्षति ना हो सके, कष्ट ना हो सके। अरे बेटी मत पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसे जंगलों को काटा जा रहा है, तो हम लोगों को जरूरत है कि प्लांटिंग करें, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। क्लियर है? और लोगों को इंस्पायर करना सीखिए और उसे प्रेरित कीजिए कि देखिए आप काट रहे हैं पेड़ को, तो ये उचित नहीं, जब तक लगी उसे उसे काटे बिना काम नहीं चल सकता है। मैं अंतिम में एक ही बात कहूंगा कि आप पेड़ को तभी काटिए जब एकदम मजबूरी ही हो जाए, या फिर काटना ही क्यों है, पहले तो प्रयास करना है कि उसे नहीं काटना है। लेकिन आप लोग तो मानेंगे नहीं, आजकल तो सरकारी ये बन रहा है ना, क्वार्टर वगैरह, इस गवर्नमेंट क्वार्टर, तो वहां भी तो पेड़ काट ही दिया जाता है। खैर बहुत हद तक सुधार भी आया है, पेड़ लगाया गया है। सबसे बेस्ट उपाय था कि कहां लगा जाए, किसी के घर में तो लगा नहीं सकते हैं, अब यहां लगा दे बोर्ड के ऊपर, अच्छा लगेगा नहीं ना। इसीलिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि जो हमारा सड़क है रोड के किनारे लगा सकते हैं। आपको भी मौका मिलता है तो जरूर लगाइए। सर जगह नहीं है, कहां लगाएं, रोड के किनारे तो जाके गाड़ ही सकते हो ना, वहां कौन मना करेगा, सरकार भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि पेड़ लगाया जाए। क्लियर है? सिर्फ पेड़ लगाने से ही हमारा नेचुरल रिसोर्सेस की रक्षा नहीं होता है, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो मैटर करती है, जैसे कि प्रदूषण। गर्मियों के दिन में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो जिन्हें एसी में रहना अच्छा लगता है, ठीक है अच्छा लगता है, तो मैं नहीं कहता कि मत रहिए या फिर मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि हमेशा मत रहिए कि ऑन करके बस, मुझे पता है कि आप उसका भरपाई करते हैं, लेकिन जिसका मतलब ये नहीं ना हुआ कि आप जो चाहे वो करें। तो मैं यही कहूंगा कि कम इस्तेमाल हो, या फिर यदि आप अकेले व्यक्ति हैं तो पब्लिक गाड़ियों से जा ही सकते हैं, आप अपना प्राइवेट कार का क्यों इस्तेमाल करना हर एक छोटी जगह पर जाने के लिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से पोल्यूशन से भी बचाया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे बचाया जा सकता है हमारे प्रकृति को। ये सब तो कुछ नमूना है, जब मैं इस चैप्टर को डील करूंगा डिटेल में बताऊंगा तो सारी बातें की डिस्कशन होगी। इतनी सारी सर इस पे क्या कितना मार्क्स है, तो इस पे 3 स्टार लगाने लीजिए। और जब मैं इस साइड रिवीजन की बातें हो रही है तो मैं तुझे बतला दूं कि इस पे 1 एंड ये 2 स्टार, 2 स्टार रिवीजन के समय करके जाइए, आप लिखा जाएगा आपको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस में, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, या फिर हाउ कैन वी मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी वगैरह, इससे भी कुछ कुछ दिया हुआ रहेगा। खैर यानी हाउ मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, हर एक चीज बतलाऊंगा। कभी कभी चैप्टर्स आने में देर भी हो जाए, क्योंकि मैं अदर क्लासेस के लिए वर्क करूंगा तो देर तो होगा ही ना, क्योंकि अकेले कितना कोई भी वर्क कर सकता है, हर एक चीज का कैपेसिटी ना है स्टूडेंट। तो फिर यही आपका सिलेबस आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी मारना है वो ही मार लीजिए, देख लिए अच्छी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए।
फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री रहिए, लेकिन टेंशन तो थोड़ा थोड़ा नहीं लेना चाहिए। खैर एनीवेज़।